हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी बारिश आ चुकी है और आम भी पककर पड़ चुके हैं। गिरे हुए आम नीचे गिर चुके हैं कहीं कहीं पर। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आम बहुत बड़े बड़े हैं और गिरकर बिगड़ भी जाते हैं। तो यहाँ पर डांगर भात राइस का वो डाला है बियारण, और वो निकलेगा उसको, उसके बाद उसको रोपेंगे, बाद में पकता है। चावल की खेती होती है हमारे यहाँ चावल की खेती ही बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में, बारिश 2-3 महीने आती है, तो चावल के पाक को पकने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए 2-3 महीना में हो जाता है। तो ये गाइस देख सकते हैं, इसको टोंबे बोलते हैं, टोंबी, और ये इसका तेल निकलता है जो बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। और वहाँ पर देख सकते हैं बहुत आम लगे हैं, लेकिन कच्चे हैं। वो बारहमासी के आम है जो बारह महीना भी लगते हैं। तो हम लोग ऐसे ही जंगल जैसे विस्तार में रहते हैं, और हमें यहाँ रहना भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर मिलता रहता है खाने को और ऐसा है। और अभी हम आम ढूंढने जाएंगे, तो यहाँ पर गिरे हैं, वहाँ भी लग है। ये देख सकते हैं आम, तो ऐसे आम गिर हमारे यहाँ मिल जाते हैं। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है आम, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई खाने के लिए भी ऐसा नहीं करता। ये देख सकते हैं, हमारे यहाँ आम ही बहुत ज़्यादा होते हैं सबके यहाँ, तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। लेकिन आप लोगों को, अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हो, तो देख कर आपको ऐसा लगेगा कि वाह। तो इसको थोड़ा सा धोएंगे, बाद में खाएंगे। गाइस ये सेवूर जैसा है, लेकिन ये सेवूर नहीं है, सुरण भी हो सकता है। तो गाइस आम धोकर अभी रेडी है, हम ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अभी कहीं पे बैठकर खाना पड़ेगा। तो बारिश आ चुकी है और हम जा रहे हैं इस तरफ देखने के लिए वेदर यहाँ का। और खाते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा है, दिख रहा है। तो ये केसर काम है, जिसको हम ऐसे खाते हैं। बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होते हैं। काटकर खाने से अच्छा है ऐसे खाओ। तो ये दो तो मैं इतने सारे अभी खा नहीं सकता, क्योंकि पेट भर चुका है, मैंने अभी अभी खाना खाया है इसलिए। दूसरा का ही दाखोला।